हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कन्वेंस डीड के बारे में, यानी कि कन्वेंस डीड क्या होती है और इसके कितने टाइप होते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। कन्वेंस डीड बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी के राइट ट्रांसफर करने का एक जरिया होता है। मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसके राइट है राइट टू यूज, राइट टू मॉर्गेजेस, राइट टू सेल। आप इसमें से कोई भी राइट्स किसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उस समय आप अपनी कन्वेंस डीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके चलते आप अपना कोई भी राइट्स किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कन्वेंस डीड के कौन कौन से टाइप होते हैं। पहला होता है सेल डीड, यानी आप अपने राइट्स किसी को सेल कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका गिफ्ट डीड, यानी आप अपने राइट्स प्रॉपर्टी के किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सचेंज डीड, यानी आप अपनी प्रॉपर्टी के राइट किसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। बेसिकली ये तरीके होते हैं जिसके जरिए आप अपनी कन्वेंस डीड करा सकते हैं। मगर आप एक चीज का ध्यान रखें, कन्वेंस डीड कराने के बाद उस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके जरूर सबमिट करें, ताकि आपके पास एक प्रूफ हो कि आपने आपकी प्रॉपर्टी की कन्वेंस डीड करवाई है, कि ताकि आगे चल के आपको किसी भी किस्म की दिक्कत होने पर आप रजिस्ट्रार के ऑफिस से उस प्रॉपर्टी के डीड्स की एक कॉपी मंगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे कि कन्वेंस डीड क्या होती है और इसके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।